मेंस्ट्रुएशन जो है हमारे पास में मैथमेटिक्स से एक ऐसा टॉपिक है जिसको फिजिक्स में ना तो हमको पढ़ना है और ना ही हमको ये मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा भी। बट इसके नॉलेज के बिना हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे नहीं बन सकते हैं एंड बहुत सारी थ्योरीज हमको समझ में नहीं आने वाली है। दैट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हल्का से एक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर कितने टाइप के शेप होते हैं एंड हमारे पास वो कौन कौन सी चीजें रहती है, इसको हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन में दो टाइप के शेप रहते हैं, एक हो जाता है अपने पास में 2D शेप होता है और एक रहता है अपने पास में 3D शेप। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग 2D शेप के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या शेप है, एक तो हो गया अपने पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड अपने पास में हो गया सर्कल। तो जो हम लोग रेक्टेंगल की स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो पेरीमीटर रहता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर एक वो लेंथ होता है जिसको मान के चलो कि अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि इस पॉइंट से अगर मैं चलना शुरू किया हूँ और चल के वापस क्या कर रहा हूँ इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ इस पाथ पर चल के, तो मैंने एक्चुअली कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड पेरीमीटर। तो इस केस के लिए क्या हो जा रहा है कि हमारे पास में सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन अगेन ए ए ए, तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 4a। तो हमारे पास क्या हो गया, पेरीमीटर 4a हो गया है। अब जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर पे हमारे पास में कितना फिलअप हो पाने जैसा जगह है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी साइड्स हमको दिए रहते हैं हम लोग उसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास में ए इंटू ए, मैंने बोला साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। वैसे हम लोग रेक्टेंगल के केस में करते हैं, हम लोग यहां से यहां तक ट्रेवल करेंगे तो बी आएगा डिस्टेंस, देन यहां से यहां तक ए आ जाएगा, देन बी, देन ए। तो हम लोग एल एंड बी दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दैट मींस एल प्लस बी हो जाएगा, बट ये जो हो रहा है अपने पास में दो बार आने वाला है, एल दो बार एंड बी दो बार। एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास में बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों साइड क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ट्राइंगल का पैरामीटर देखते हैं तो ये भी काफी आसान होगा, यहां से यहां तक जाता तो सी, देन ए, देन बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी। जब एरिया की बारी आती तो हमारे पास में ये हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू ब्रेथ, या फिर ब्रेथ इंटू हाइट, ये अपने पास में एरिया हो जाता है। बट अगर हमारे पास यहां पर हाइट नहीं दिया हो, कई बार हमारे पास में रहता है कि सिर्फ ट्राइंगल के साइड्स दिए रहते हैं कि ए बी एंड सी दिए हैं, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेरोंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हेरोंस फॉर्मूला बोलता है कि हमको अगर एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इस क्या होता है अपने पास में, सेमी पैरामीटर होता है। तो ऐसे कुछ होता है अपने पास में सेमी पैरामीटर के ऊपर है, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, एंड एक्चुअल जो पैरामीटर होता है अपने पास में रहता है ए प्लस बी प्लस सी, हाफ नहीं होता है, सेमी पैरामीटर में जस्ट इसका हाफ हो जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर एरिया निकालने के दो मेथड हैं, अगेन डिपेंड करता है कि हमारे पास में गिवन में क्या क्या चीज है। अगर हाइट नहीं दिया है हमको तो हेरोंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, हाइट दिया है तो हमको पहले वाले फॉर्मूले से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अपना एरिया। अब बात करते हैं हम लोग सर्कल की। सर्कल में क्या होता है, जैसे हमारे पास में बाकी शेप में पैरामीटर होता था वैसे हमारे पास सर्कल में क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। अगेन डिस्टेंस वही है, मैं इस पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ए से मान के चलो कि मैं चल के वापस क्या होता है, मैं पॉइंट ए पर आ रहा हूँ और इस बार मेरे पाथ क्या हो जा रहा है, सर्कुलर हो जा रहा है, तो हमारे पास में सर्कमफेरेंस मिलता है। बेसिकली हर बार हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये यूनिट है हमारे पास में मीटर में ही रहने वाला है, लेंथ के फॉर्म में ही रहने वाला है, मीटर स्क्वायर नहीं रहने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है अपने पास में आर हो सकता है, बट अगेन ये आर तो नहीं होने वाला अपने पास। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जब ये चलना शुरू किया तो हमारे पास में इस पॉइंट से चलना शुरू करता है एंड पूरा क्या करता है, 360 डिग्री का सर्कल अपने पास में की चक्कर पूरा कंप्लीट करता है अपने पास। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 360 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2π से। वैसे मैं एरिया की बात करता हूँ सर्कल की, तो हमारे पास में स्क्वायर के जैसा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पे क्या बचने वाला है, सिर्फ पाई बचने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि अपने पास में 2D शेप में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मुलेस होते हैं एंड किस किस क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको पैरामीटर हो गया है या फिर अपने पास एरिया हो गया, सबका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल के लेके आए। अब हम लोग फोकस करते हैं 3D शेप्स के ऊपर में। 3D शेप्स में क्या अपने पास में, जैसे हमारे पास यहाँ पर सर्कम पैरामीटर हुआ करता था, पैरामीटर क्या करता था, बेसिकली एक आउटर लेयर या फिर एक शेप हमको प्रोवाइड करता था किसी भी ऑब्जेक्ट का। वैसे हमारे पास में जब 3D में बात करते हैं तो हमारे पास एक सरफेस होता है जो कि अंदर का जो
हिस्सा रहता है उसको बाहर के हिस्से से हमको अलग करके देता है, एक तरह का इंटरफेस क्रिएट करता है। तो हमारे पास इस सरफेस को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो सरफेस का अगर हमने एरिया निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर किससे, क्यूब से करते हैं। तो क्यूब हमारे पास क्या हो जा रहा है, अपने पास टोटल 6 साइड्स हैं। अब मुझको सरफेस एरिया निकालना है, तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस नीचे वाले एरिया की बात करूं, इसका लेंथ है ए एंड ब्रेथ है ए, तो एरिया इसका हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर। बट ऐसे हमारे पास कितने फेसेस हैं, मैंने बोला था कि हमारे पास ऐसे कितने फेस है, 6 फेसेस हैं, तो अपने पास सरफेस हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। एंड जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमने यहाँ पर क्या किया था, ए स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखे थे, बिकॉज हमारे पास में दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना था। हमारे पास यहाँ पे कितने साइड्स दे दिए हैं, 1, 2 एंड 3, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर हो जा रहा है ए क्यूब, एंड सरफेस एरिया में अपने पास था 6 ए स्क्वायर। अब हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूबॉइड की। हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास में टोटल 6 अलग अलग फेसेस हैं, बट इस बार लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास डिफरेंट है। अगर मैं नीचे वाले की एरिया की बात करूं तो हमारे पास ये हो जाएगा एल इंटू बी। अगर मैं इस साइड वाले की बात करता हूं, ये वाले फेस की, तो हो जाएगा अपने पास में बी इंटू एच। फ्रंट वाले की बात करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में एल इंटू एच। बट हमारे पास ये सारे के सारे फेसेस क्या है, दो दो हैं। एक बार एल इंटू बी नीचे में है, एक बार ऊपर पे है, एक बार एल इंटू एच फ्रंट में है, देन एक बार बैक में है, एक बार अपने पास में बी इंटू एच लेफ्ट में है, और एक बार राइट में है। मतलब कि सबके सब हमारे पास कितने बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं 2। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगेन बहुत ही सिंपल रहने वाला है, जैसे यहाँ पर हमने किए तीनों साइड्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लीकेशन है ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेंडर की। अब सिलेंडर में है हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बात यहाँ पर ये हो जा रही है कि यहाँ पर हम लोग सर्फेस एरिया दो लेके क्यों चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अपने पास टोटल 3 सरफेस अपने पास में। एक सरफेस तो हमारे पास हो जा रहा है ये, जो कि अपने पास में कर्व्ड है, जहां पे हमको ये कर्व देखने मिल जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास में दो ऐसे सरफेस है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर का सर्कल एंड नीचे का सर्कल। तो हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप के सरफेस एरिया निकल सकते हैं। एक तो जाएगा कर्व सरफेस एरिया जो कि गोल घुमा हुआ है, एंड लास्ट में हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेके चलेंगे, जिसमें ऊपर के और नीचे के सर्कल के एरिया को भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे देखते कि आता कैसे है। कर्व सरफेस एरिया की बात अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया हमारे पास बेसिकली होता क्या है, अपने पास में अंदर का कोई मटेरियल इसमें नहीं यूज होने वाला, बस बाहर का एक पतला सा लेयर रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, उसको भी पतला सा अगर काट लूँ, तो हमारे पास में क्या बचने वाला, एक सर्कल बचने वाला है, ठीक है, चूड़ी के जैसा, या फिर अपने पास में एक जो ट्रायंगल होता है उसके जैसा एक सर्कल हमारे पास रहेगा। इसके ऊपर मैं एक और सर्कल लगा दूं, इसके ऊपर एक और सर्कल लगा दूं, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास एक सरफेस बन जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक सर्कल रखा था या फिर एक बैंगल रखा था। एक बैंगल का जो टोटल मटेरियल का लेंथ है वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके सर्कमफेरेंस से, विच इज 2 पाई आर। एंड मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास नंबर ऑफ बैंगल्स बढ़ते जा रहे थे। अगर हमारे पास सिर्फ 2 बैंगल्स होते तो क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर। 3 बैंगल्स होते तो 3 इंटू 2 पाई आर होता। तो अपने पास में ऐसे कितने बैंगल्स है, ऐसे एच बैंगल्स हो जा रहे हैं। तो हमारे पास हो जा रहे हैं 2 पाई आर एच। अब जैसे कि मैंने बोला था कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया जो हम लोगों ने अभी निकाला है, प्लस ऊपर एंड नीचे दोनों सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बट दो सर्कल इस नाम से क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 पाई हो जाएगा। मैं कॉमन जो निकालना है निकाल सकता हूँ, 2 पाई आर को यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ, एच प्लस आर बचते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है टोटल सर्फेस एरिया का। फाइनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम के लिए भी क्या करता हूँ, ऐसी कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। अब इस बार मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बैंगल नहीं लेता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास एक पतला सा डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, उसके ऊपर क्या करूंगा, मैं दूसरा डिस्क रखूंगा। तो पहले जो हमारे पास जो डिस्क था, इसका जो एरिया था वो क्या था अपने पास में, पाई आर स्क्वायर। इस पर क्या करता हूँ, एक और रख देता हूँ, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक और करूंगा तो 3 हो जाएगा, फिर एक और करूंगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास में क्या हो जाएगा, एच तक जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूले से कैसे फॉर्मुलेट हो रहे हैं।
फाइनली हम यहाँ पे देखने वाले कि हमारे पास में कोन जो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलने वाला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप के हाइट हो जा रहे हैं। एक है नॉर्मल हाइट जो हमारे पास में एल्टीट्यूड भी कहलाता है, जो सेंटर से हमारे पास में कोन के सेंटर जो अपने पास वर्टेक्स से वहां तक जाता है। एक और हमारे पास में हाइट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होता है अपने पास में, ये जो तिरछा जो लाइन हमको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर अगर इस ट्रायंगल में देखें तो जो हमारे पास में हाइपोटेनस है दैट लाइन इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, बिकॉज ये क्या है एक तरह झुका हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों हाइट्स का यूज करना हमको यहाँ पे पड़ता है। तो जो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पाई आर लेके चलते हैं एंड हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाता है, एल आ जाता है बेसिकली। तो हमारे पास फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या रहता है, पाई आर एल हो जाता है। जो टोटल सर्फेस एरिया की बात कर रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन पाई आर एल प्लस हमारे पास नीचे का सर्कल भी क्या होना एड होने वाला है, विच इज पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास पाई अगर हम लोग आर को कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस पाई बीच में रहता है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। तो बेसिकली जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है अपने पास में दोनों का, सिलेंडर का एंड कोन का, ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकता है। यहाँ मटेरियल हमारे पास में कम यूज हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल ज्यादा हो रहा है, इससे मैंने बोला ऑलमोस्ट। बस हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में 1/3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमको अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो कोन के लिए निकालने के लिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, बस क्या करना है 1/3 से हमको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। फाइनली लास्ट में हमारे पास में जो शेप आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। तो इस स्फेरिकल शेप जो रहता है उसके ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगेन जैसे मैंने पहले बोला था कि सर्कमफेरेंस के केस में कि हमारे पास लेंथ रहता है उसको क्या कहते हैं, टोटल जो हमारे पास में एंगल जो बन सकता है पॉसिबल, मैक्सिमम जो एंगल हमारे पास यहाँ पे कितना बन सकता है 2π, उससे मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज में यहाँ पर करता हूँ, तो हमारे पास में हमको निकालना है एरिया। एरिया हमारे पास में क्या होता है, साइड हमारे पास में की जो अपने पास ये क्या बोलते हैं, रेडियस हमारे पास आर दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ आर का स्क्वायर कर लेता हूँ। ये क्या करता है, किसको डिनोट करते हैं हमारे पास में एरिया को। बट जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर जो एंगल है 2D में जो एंगल रहता है अपने पास मैक्सिमम एंगल वो क्या रहता है अपने पास 2π रहता है। बट जब हम लोग 3D की बात करते हैं, जब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है सॉलिड एंगल वो रहती है अपने पास में 4π। वह तो हमारे पास सरफेस एरिया हो जा रहा है अपना 4πr². फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी अपने पास में 4/3πr³, क्योंकि अपने पास ये वॉल्यूम है तो अपने पास में आर का क्यूब हो जा रहा है। हम किसी भी इंसान को तभी अलाइव बोलते हैं जब वो चलता फिरता रहता है, जब वो बात करते रहता है, या फिर कोई सा भी एक्शन करते रहता है। ये इस बात सिर्फ इंसानों की नहीं, एनिमल्स के साथ में भी होता है। तो हमारे पास में अगर इस ह्यूमन बीइंग या फिर इस इंसान की बॉडी में से अगर उसका सोल निकल जाए तो क्या होता है, अब हमारे पास ये जो बॉडी रहने वाली है ये डेड हो जाती है। तब हम लोग इस बॉडी को क्या बोलते हैं, डेड बॉडी बोलते हैं। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में जो बॉडी रहती है बिना सोल के अलाइव नहीं हो सकती है, एंड वैसे ही हमारे पास में हमारा जो सोल होता है बिना बॉडी का अलाइव नहीं रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग बोलते हैं कि अगर जो सोल होती है फिर जो आत्मा होती है बिना बॉडी के अगर किसी को घूमते हुए दिख जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको घोस्ट बोलते हैं। तो हमारे पास में जब जब बॉडी और सोल आपस में साथ में मिलते हैं तब हमारे पास में क्या देखने मिलता है, हमको वहां पर लाइफ देखने मिलता है। वैसे ही हमारे पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप होता है। हमारे पास में अगर हम लोग फिजिक्स को बॉडी बोलें एंड मैथमेटिक्स को सोल बोलें तो हम लोग इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास जो फिजिक्स होती है, हमारे पास जो फिजिकल थ्योरीज होती हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हमको मैथमेटिक्स के जैसे टूल की जरूरत पड़ती है। अगर हम फिजिक्स को एक सब्जेक्ट समझ के चलें या फिर सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो मैथमेटिक्स उस सब्जेक्ट का क्या हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है। एंड इस नाम से हम लोग को 11th स्टैंडर्ड से फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा फोकस के साथ में देखना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। हम लोग जितने भी क्या बोलते हैं नए नए थ्योरीज पढ़ेंगे, नए नए चीजों को पढ़ेंगे, उसके वेरिफिकेशन के लिए हमको डेरिवेशन देखना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या क्या डेरिवेशन आते हैं, उसके हम लोग फॉर्मूले क्या करेंगे, उससे एस्टेब्लिश करेंगे। एंड उसके साथ में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेने वाले हैं
एंड ये देखने वाले कि हमारे पास ये थ्योरीज वहां पर अप्लाई कैसी होती है एंड उसका एप्लीकेशन में यहां पर कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू नो मैथमेटिक्स, हमको ये पता रहना चाहिए कि हमारे पास में मैथमेटिकल टूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टूल जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि एक्सटेंसिवली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट वुड बी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हमारे पास क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मुलस होते हैं जिनसे हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे वैसे मैक्सिमम फॉर्मुलेस पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे हमारे पास में ए माइनस बी का स्क्वायर का भी आपको फॉर्मूला पता होगा, बस डिफरेंस ये होता है पहले वाले फॉर्मूले से कि बीच में हमारे पास में टू ए बी के साथ में माइनस साइन लग जाएगा, बाकी हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहता है, जस्ट जैसे का तस रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला होता है अपने पास में ए प्लस बी का होल क्यूब का, बट अगेन ये उतना भी टफ नहीं होता है। लेट्स सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो जैसे हमने यहां पर देखे हैं हमारे पास में शुरुआत क्या होगा, यहां पर हमारे पास में शुरुआत हुआ था ए स्क्वायर से एंड एंड हुआ था अपने पास में बी स्क्वायर पे। सेम हमारे पास में यहां पर हो जाएगा क्यूब वाले फॉर्मूले में, ए क्यूब से स्टार्टिंग होना चाहिए एंड ए एंड बी क्यूब पर हमारे पास में फॉर्मूला एंड होगा। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में ए क्यूब एंड लास्ट में अपने पास में रहना चाहिए बी क्यूब। हमको क्या करना है, बीच में जो हमारे पास में टर्म्स आने वाले हैं हमको उसको फिलअप करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास में स्क्वायर दिया था तो टू लगाए थे हम लोग, यहाँ पर क्या कर लेते हैं थ्री कर लेते हैं एंड हमारे पास में यहाँ पे जो पावर रहने वाला है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, विच मीन्स ए क्यूब यहाँ पर था तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर। बट एट द सेम टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, बी भी अपने पावर को इंक्रीज करना शुरू करेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास में यहाँ पर बी के पास कोई पावर नहीं था, जीरो था, यहाँ पे हमारे पास बी का पावर क्या हो गया, वन हो गया। एंड सिमिलरली हम क्या करते हैं, बीच में एक और बार डालते हैं यहाँ पर थ्री ए बी स्क्वायर, तो इस बार क्या हो गया, स्क्वायर बी के साथ में स्विच हो गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ए का पावर डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड बी का पावर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हमारे पास में ए माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम वैसे ही रहने वाला है, बस हमारे पास में जो डिफरेंस होने वाला है वो बस साइन का रहने वाला है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले टर्म्स लिख देता हूँ और उसके बाद में ये फिगर आउट करता हूँ कि हमारे पास में साइन क्या होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन रहेगा हमने यहाँ पे देख सकते हैं, पहला टर्म अपने पास में पॉजिटिव था, देन नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में एक अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। तो पहला टर्म हमारे पास में ए क्यूब का पॉजिटिव रहेगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूले को समझ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम सिक्स वाले फॉर्मूले पे आते हैं। सिक्स है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काफी फेमस फॉर्मूला है, लोगों को पता ही है इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा अपने पास में ए माइनस बी। ओके, लोगों को दिक्कत होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, यूजुअली लोगों को फॉर्मूला इसका याद होता नहीं है, बहुत बहुत ईजी रहता है। हम लोग क्या करने वाले, ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो बेसिकली हमको यहाँ पे करना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टू ए बी को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, इसका पता चल जा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। दूसरा जो अपने पास में जहां पर ये फॉर्मूला है वो अपने पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। अगेन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला काफी इजी है अपने पास में। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने पास दिया है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए प्लस बी के साथ में मल्टीप्लीकेशन करता हूँ एंड उसके बाद में क्या करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे हम लोग हर जगह पर देखे कि हमारे पास में जब भी क्या बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो हमारे पास में जो भी टर्म है वो एक बार तो आता ही है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखे तो ए प्लस बी एक बार तो अपने पास में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे तो ए माइनस बी एक बार तो पक्का आने वाला है हमारे पास में। सेम हमारे पास यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में अपने पास में ए प्लस बी सबसे पहले आने वाला है एंड बाद वाले में क्या होगा, अपने पास में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ऑलमोस्ट इसके जैसा हो जाता है अपने पास में ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की जैसा, बट डिफरेंस क्या हो जा रहा है अपने पास में, बीच में जो टू है अपने पास वो यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ठीक है, वैसे हमने क्या करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जैसे मैंने बोला था कि जो हमारे पास में दिख रहा है हम लोग उसका एक फैक्टर बना लेते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो हमारे पास जब भी बाहर में बाहर वाले जो फैक्टर पॉजिटिव रहेगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा अपने पास में नेगेटिव, एंड बाहर वाला अगर नेगेटिव हो तो अंदर वाला क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नाइन्थ वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो फॉर्मूले का एडिशन कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एडिशन कर रहे हैं। तो अगर हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखें, अगर हमें एडिशन करूं तो ए स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, दो बार आ जाएगा। बी स्क्वायर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, दो बार आ जाएगा। बस होगा क्या अपने पास में, टू ए बी दोनों साइड का क्या हो जाएगा अपने पास कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं उसका, तो ये जाएगा अपने पास में टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, टेंथ वाले को भी देखता हूं। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, दोनों को आपस में माइनस कर देता हूं, तो जिनके साइन यहां पर अपने पास में सेम है वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर चल देगा और बी स्क्वायर चल देगा। बचेगा क्या अपने पास में यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ फोर ए पी, बिकॉज उस कंडीशन में दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं फोर ए पी। तो अगर आप इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करेंगे, इनके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फॉर्मूले को याद करना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि हमारे पास में और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट दीज आर द बेसिक फॉर्मूलास। ठीक है, यहां से हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे नए फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास में एक कंडीशन, एक जगह पर हमने ये फॉर्मूला देखे थे अपने पास क्या था कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। अब हमारे पास में अगर ऐसा ए प्लस बी का टू द पावर फोर या फिर टू द पावर फाइव, इसके लिए अगर कोई हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि ना, डजंट मैटर कि हमारे पास में पावर क्या रहे, ये क्या कर सकता है, सारे के सारे टर्म के लिए क्या कर सकता है, हमको एक ऐसा फॉर्मूला, यूनिक फॉर्मूला दे सकता है जिससे हमको क्या मिल जाए, सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग बना सकें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एन एच आ रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहला वाला जो टर्म है अपने पास में क्या हो जा रहा है, वन हो जा रहा है। बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स के जगह पर वाई होता तो क्या होता है, यहाँ पर वाई टू द पावर एन हो जाता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ हो जा रहा है। एंड उसके बाद में ग्रेजुअली क्या होता जाता है अपने पास में, पावर उसका डिक्रीज होते जाता है, एंड एक्स का पावर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एक्स का पावर जीरो है, सेकंड वाले में एक्स का पावर वन, देन टू, देन थ्री, एंड सो ऑन। कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास में एक्स का पावर एन नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये अपने पास में कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो अगेन बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ भी अंदर में दिया रहा है, वन प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वाई कुछ भी दिया रहा है, एंड उसका पावर कुछ भी अपने पास है, एन है, टू है, फाइव है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक्सपांशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, एक चीज हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है जो कि आपने लिखा है यहाँ पर फैक्टोरियल टू, इसको हम लोग रीड करते हैं फैक्टोरियल टू। ठीक, कैसे रीड करेंगे इसको, फैक्टोरियल टू। अब इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल टू, इसका मतलब रहता है कि मैं टू से लेकर वन तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टोरियल थ्री, इसका मतलब हो जाएगा मैं यहाँ पे थ्री टू वन, अगेन थ्री से जितने भी छोटे नंबर है सबको एक एक से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल एन, इसका मतलब हो जाएगा एन इससे छोटा हो जाएगा एन माइनस वन, एंड सो ऑन, एंड फिर थ्री इंटू टू इंटू वन, यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये होता है अपने पास में फैक्टोरियल। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि हमारे पास में एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, ये फिर बहुत ही छोटी है। अब हमारे पास यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना पड़ता है, पड़ेगा कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो क्या होता है, वैल्यूज हमारे पास में इंक्रीज होती है, बट नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइव का स्क्वायर निकालता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू 25 आएगी। तो 5 क्या है अपने पास में, लेस देन है 25 से। तो जिसका स्क्वायर हुआ जिस नंबर का, वो हमेशा अपने स्क्वायर से क्या रहता है, कम होता है, जब वो क्या है अपने पास में, जीरो से बड़ा हो। मैं सेम चीज करता हूँ 0.5 के स्क्वायर के साथ में, तो आंसर आता है अपने पास में 0.25। क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, 0.5 बड़ा है 0.25 से। तो अगर मैं वैल्यू को और छोटा करते जाता हूँ,
एग्जांपल लिखता हूँ 0.05 का स्क्वायर तो जाएगा 0.0025। अब हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, वैल्यू और भी ज्यादा छोटा होते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर वही चीज बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 से काफी छोटी है तो x के जो हायर पावर रहने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, और भी छोटे हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में, बाकी सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, एंड हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो क्या बचता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगेन जब हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या रहे, 1 से बहुत छोटी रहे। फिजिक्स में हम लोग क्या करने वाले, बाइनोमियल थ्योरम जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम केसेस में क्या करने वाले हैं, ये कंडीशन लगाने वाले हैं जहां पर हमारे पास में एक्स की वैल्यू काफी छोटी रहेगी। तो हम लोग वहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे जाते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको पता है कि हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारे पास में एक ऐसे क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जहां पर हमारे पास में मोर देन वन टर्म हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे पास में एक टर्म हुआ तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म हुआ तो अपने पास में बोलते हैं पॉलीनोमियल, तीन हुआ तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, बट तीन से ज्यादा हो जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली सबको बोलते हैं ये क्या है अपने पास में, पॉलिनोमियल। तो हमारे पास में वन ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है, अपने पास में तीन टर्म है, बट यहाँ पर क्या हो गया है, अपने पास में एक्स का जो डिग्री है ये इस बार यहाँ पर क्या हो गया है, टू हो गया है। अगर हमारे पास में इक्वेशन सिर्फ इतना लिखा रहता बी एक्स प्लस सी तो मैं इसको बोलता लीनियर इक्वेशन, बट जैसे ही हमारे पास में x का स्क्वायर हो जाता है तो हम लोग इसको बोलना शुरू कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, मतलब कि हमारे पास में x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के, अपने पास में बेसिकली तीन तरीके रहते हैं। एक तो ये रहता है कि मैं क्या कर देता हूं, इस इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर अपने पास में दो फैक्टर मिल जाएंगे जिससे हमारे पास में एक्स के दो आंसर आ सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक रहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं इस फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करना चाहूंगा। इसके फायदा क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो मेहनत है, हमें जो एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं, इज इट वर्थ इट। बिकॉज होता क्या कि हमारे पास हर बार एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं, नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि हमारे पास बी एक्स प्लस सी क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है। मतलब कि अगर मेरे पास ये दिया रहता है बी एक्स प्लस सी तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से लाइन हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ होता, बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये एक कर्व्ड क्या बनने वाला है, अपने पास में एक इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, लाइन बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अपने पास में जो x की वैल्यू रहती है वो कहां पर हमको मिलती है। मैं यहाँ पे तीन कंडीशन लेके चलता हूं। एक कंडीशन में क्या रहता है कि जब हमारे पास में d की वैल्यू क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन जीरो मिलने वाली है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपने पास में दो जगह पर हमारे पास में क्या होता है, ये एक्सिस, ये जो अपने पास कर्व है, x एक्सिस को क्या करती है, क्रॉस करती है, एंड वहां पर हमारे पास में x की कुछ वैल्यू हमको मिल जाती है। अब अगर हमारे पास में d की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो ये जो कर्व हमारा हल्का सा क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, एंड हमको क्या मिलता है, एक ही पॉइंट पर x की वैल्यू मिलने वाली है, जिसका मतलब ये रहता है कि हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू रहेगी, वो क्या हो जाएगी अपने पास में, सेम हो जाएगी। इन दोनों कंडीशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड हमारे पास में x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कब नहीं मिलेगी हमारे पास, जब हमारे पास में ये जो कर्व है वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा ही नहीं, जो कि हमारे पास में यहाँ पर कब होता है, जब हमारे पास में d की वैल्यू हो जाती है लेस देन जीरो। तो उस कंडीशन में हम लोग कितना ही सर क्यों ना फोड़ ले अपना, हमारे पास में x का कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलने वाला, बिकॉज उस कंडीशन में क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर में हमारे पास में एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है। हालांकि हम लोग बाद में ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, x का कोई रूट निकाल सकते हैं, बट उस कंडीशन में इक्वेशन के लिए रूट निकाल सकते हैं, बट वो जो रहता है अपने पास में एक रियल नंबर नहीं रहने वाला है।
फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले वाले मेथड को यूज कर रहे हैं कि बिकॉज हमारे पास में हमको पहले ही पता चल जाता है कि हमारे पास में आंसर किस टाइप का आने वाला है। हम डी के वैल्यू को देख के बता सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये डिक्टेट कर सकते हैं या फिर ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि वेदर डू वी वॉन्ट टू प्रोसीड और नॉट, क्या हम एक्स की वैल्यू फर्दर निकालना चाहेंगे कि नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास में एक्स की जो वैल्यू है रियल रहे, तो मैं क्या करूंगा, पहले डी की वैल्यू को चेकआउट कर लूंगा। अगर अपने पास में ग्रेटर देन है 0 या फिर इक्वल टू 0 है तो ठीक है, अदरवाइज लेस देन 0 है तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा इफ माई रिक्वायरमेंट इज टू गेट अ रियल नंबर।